आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, शासन द्वारा दिसंबर से होली तक सभी कार्ड धारकों को गेहूं और चावल के अतिरिक्त प्रत्येक कार्ड पर दिया जाएगा 1-1 किलो दाल, तेल और नमक। वितरण पर निगरानी रखेंगे जिला स्तरीय अधिकारी। परिषदीय विद्यालयों के स्कूलों के शैक्षिक गुणवत्ता की जांच के लिए विकास भवन के सभागार में स्थापित किया गया निपुण भारत मॉनिटरिंग सेंटर। डीएम ने कहा, मॉनिटरिंग सेंटर से बढ़ाई जाएगी छात्रों के शैक्षिक क्षमता। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुए एयरपोर्ट के रनवे के पास से जल निकासी संबंधित बैठक, सर्वे कराकर एस्टीमेट बनाने के दिए निर्देश। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर बैंक कर्मचारियों का हड़ताल दूसरे दिन भी रहा जारी। बैंकों के होने वाले निजीकरण को रोके जाने को लेकर किया प्रदर्शन, निजीकरण पर तत्काल रोक लगाने की मांग। नेफेड द्वारा नमक की आपूर्ति नहीं होने के कारण कुछ सार्वजनिक वितरण की दुकानों पर नहीं हो पा रहा है राशन वितरण। जिला पूर्ति अधिकारी ने कहा, नमक मिलते ही शुरू होगा राशन वितरण। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई आंगनवाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण संबंधित बैठक, 10 जनवरी तक निर्माण कार्य पूरा करने के दिए निर्देश। गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबंधित महाविद्यालय के छात्र व छात्राओं ने परीक्षा परिणाम का दोबारा मूल्यांकन व दोबारा परीक्षा कराए जाने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन, मांगों को शीघ्र पूरा करने की मांग। पेंशनर दिवस पर आयोजित हुआ पेंशनर सम्मेलन, पेंशनरों के विभिन्न समस्याओं पर हुई चर्चा, वरिष्ठ पेंशनरों को किया गया सम्मानित। गोरखपुर विश्वविद्यालय के ललित कला एवं संगीत विभाग के द्वारा नादायन हॉल में प्रथम पुरातन छात्र समागम कार्यक्रम का किया गया आयोजन, पुरातन छात्रों व प्राध्यापकों को किया गया अंग वस्त्र से सम्मानित। शुक्रवार को जिला अस्पताल सहित जनपद के 377 केंद्रों पर 30,243 लोगों को किया गया कोविड का टीकाकरण। फर्स्ट डोज लेने वालों में 11,587 और सेकेंड डोज लेने वालों में 18,756 लोग रहे शामिल। एडिशनल सीएमओ ने कहा, फर्स्ट डोज के बाद समय पूरा होने पर अवश्य लगवा ले वैक्सीनेशन का सेकेंड डोज। 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का सेंट एंड्रयूज इंटर कॉलेज के ग्राउंड पर किया गया आयोजन। विद्यालय के छात्र व छात्राओं ने प्रतियोगिता में किया प्रतिभाग। प्रबंधक ने कहा, प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विजयी प्रतिभागियों को शनिवार को किया जाएगा पुरस्कृत। और पंडित राम प्रसाद विस्मिल बलिदानी मेला व खेल महोत्सव आयोजन के तीसरे दिन अमर बलिदानी राजेंद्र नाथ लाहड़ी के बलिदान दिवस पर दी गई श्रद्धांजलि। आयोजित हुए विभिन्न कार्यक्रम, दीपांजलि कर अमर शहीदों को किया गया नमन।